हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी स्टडी। और काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं आउट ऑफ सिटी था, सो मैं वीडियो कोई अपलोड नहीं कर पाया करीब एक महीने से, क्योंकि मुझे मैथ का कोर्स भी करना था, रीजनिंग भी स्टार्ट करना था, बट मैं कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम की वजह से मुझे ऑलमोस्ट पूरा मंथ बाहर रहना पड़ा, एक मंथ से ऊपर ही मुझे बाहर रहना पड़ गया। सो मैं परसों ही वापस आया हूँ। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर से अपनी स्टडी की। सो डेट आपको पता ही है, 26 जुलाई के आपसे के आसपास से हमारी एग्ज़ाम स्टार्ट है एसएससी सीजीएल के, और मे बी पोस्टपोन हो मे बी ना हो, तो एटलीस्ट हमारे पास 50 डेज ऑलरेडी हैं, 50 प्लस डेज ऑलमोस्ट। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे 50 डेज में एसएससी सीजीएल करने की। मेरे चैनल पे अब तक सिर्फ परसेंटेज के वीडियोस हैं, तो हम अब से नेक्स्ट 50 डेज में पूरा कोर्स करने वाले हैं, पूरी मेहनत करने वाले हैं साथ मिलकर, ताकि 50 डेज में पूरा कोर्स कवर हो जाए, मैथ भी, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी और जीके भी। तो आइए देखते हैं हम 50 डेज में क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें कि हम इसे पूरा कर पाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स, मैथ्स में हमने परसेंटेज कर लिया है, बाकी हमारा पूरा मैथ्स अब तक बचा हुआ है। तो हम मैथ्स करेंगे 50 डेज में, और करेंगे प्रैक्टिस करेंगे आप किरण की बुक से, किरण पब्लिकेशन से। इसमें लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप मेरे वीडियोस से पहले कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, उनको कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद उनको प्रैक्टिस करिए किरण पब्लिकेशन की बुक से, इसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे हैं। अब बात यह है कि उसमें क्वेश्चंस काफ़ी हैं, हर टॉपिक पे 400-500 क्वेश्चन करीब होंगे ऑलमोस्ट, तो उन्हें कैसे करें। देखिए इसमें हर टॉपिक में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टाइप वन, टाइप टू, तो हर टाइप में आप इवन नंबर से क्वेश्चन कीजिए, एक करिए एक छोड़िए, एक करिए एक छोड़िए, इस तरह आपके क्वेश्चंस आधे हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, और एक दिन में 3-4 आवर्स में 150 क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी ईजिली कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक या दो दिन में 300-400 क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसमें एक टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम टाइमिंग देंगे रात को करीब 8 से 12 बजे तक, ठीक है, 4 घंटे। ये 4 घंटे आपको मैथ्स को रोज़ देने हैं, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। सो मैथ्स आपको करनी है रात को 8 से 12, 4 घंटे रोज़ मंडे टू फ्राइडे, और इंग्लिश करनी है सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, 4 घंटे रोज़ मंडे टू फ्राइडे। 6 बजे आप उठ सकते हैं, 12 से 6 आप 6 घंटे सो सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है 6 घंटे सो के उठना। उसके बाद 10 बजे से 8 बजे तक आप चाहे जो करो, मूवीज़ देखो, टीवी सीरियल्स देखो, जो मर्जी करो, लेकिन ये 8 घंटे आपको पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको अपने सब्जेक्ट को देने हैं, अगर आपको एसएससी सीजीएल करनी है 50 डेज में, तो क्योंकि इन्हीं 50 डेज में हम ये कंप्लीट करेंगे और साथ में रिवाइज भी करेंगे। ये आपको मंडे टू फ्राइडे क्यों करना है, क्योंकि सैटरडे और संडे एंड संडे ये दोनों चीज़ें आपको रिवाइज करनी है, रिवीजन। जो आपने मंडे टू फ्राइडे तक मैथ्स पढ़ी है वो आपको सैटरडे संडे को रिवाइज करनी है, क्योंकि मैथ्स का पार्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए आपको 2 दिन है रिवाइज करने के लिए। और इंग्लिश में भी 4-5 दिन में आप काफ़ी वोकैब इकट्ठी हो जाएगी जो आप रोज़ पढ़ रहे होंगे, तो आपको सैटरडे संडे को पूरी वोकैब वो एक बार रिवाइज करनी है, ताकि आपको याद रहे। ये नहीं होगा हम 50 दिन में कोर्स तो मैंने पूरा कर लिया लेकिन याद हमें पीछे कुछ भी नहीं है, तो पीछे का याद भी रहे, कोर्स भी पूरा हो और रिवीजन भी होती रहे, इसलिए आपको इस सैटरडे संडे को रिवाइज़ करना है। सैटरडे संडे को लगा लीजिए 8 से 12 PM पे रिवीजन है दोनों दिन। और जीके कब करनी है आपको, और रीजनिंग, AM to 10 AM, सेम रीजनिंग का भी।
कब? सैटरडे और संडे, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे मैथ्स करनी है आपको शाम को, और सुबह को इंग्लिश मंडे टू फ्राइडे तक। लेकिन सैटरडे को सुबह जीके करना है आपको, और रीजनिंग भी संडे को रीजनिंग करना है। हफ्ते में एक दिन रीजनिंग बहुत है, 4 घंटे बिल्कुल। आप 50/50 ला सकते हैं अगर 4 घंटे अच्छे से रीजनिंग करें आप वीक में एक बार भी। और साथ के साथ संडे को हम एक मॉक टेस्ट भी प्लान करेंगे, बट वो कुछ दिनों बाद करेंगे कि कोर्स थोड़ा बढ़ जाए, उसके बाद मॉक टेस्ट प्लान करेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो गई है, और साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सके धीरे धीरे। जैसे जैसे आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे मॉक टेस्ट में, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो मंडे टू फ्राइडे हम मैथ्स और इंग्लिश करेंगे, जो कि सेम इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, और सैटरडे संडे को हम जीके और रीजनिंग करेंगे। मैं कोशिश करूँगा जीके की वीडियो अगर हफ्ते में बीच में भी डाल पाया तो डाल दूंगा, बट सैटरडे को तो फिक्स है हमारा 6 AM to 10 AM, और रीजनिंग भी संडे को फिक्स है हमारा 6 AM to 10 AM, क्योंकि 4 घंटे बहुत काफ़ी है रीजनिंग के लिए। तो इसके लिए मैं रोज़ मैथ्स की 2 वीडियोज़ और इंग्लिश की कम से कम 2 वीडियोज़ रोज़ अपलोड करूँगा ही करूँगा। तो रोज़ कम से कम 4 से 5 वीडियोज़ मेरे चैनल पर अपलोड होंगी होंगी। परसेंटेज हम कर चुके हैं, हम रेशियो प्रोपोर्शन से स्टार्ट करेंगे, और मैक्सिमम 2 डेज देंगे किसी मैथ्स के सब्जेक्ट, मैथ्स के टॉपिक को। और इंग्लिश में हम वोकैब और फ्रेजेज वगैरह सब करते रहेंगे, और ग्रामर भी करने की कोशिश करेंगे। जी के आप अपने एंड से भी करते रहिएगा साथ साथ, अगर बीच में आपको टाइम मिलता है 10 बजे से 8 बजे के बीच में, क्योंकि रीजनिंग तो संडे को ही इनफ है काफ़ी, बट जी के भी आप बीच में थोड़ा बहुत करते रहिएगा, क्योंकि सैटरडे को जितना ही मैं जी के पढ़ाऊँगा आपको 4 घंटे में, वो आप बाकी के दिनों में थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते रहिएगा, ताकि आपको जीके हमेशा याद रहे। तो यही करना है हमें, सिंपल से स्ट्रैटेजी है, इसी को हमने 50 डेज तक रेगुलर फॉलो करना है, सिर्फ 50 दिन की ही बात है। वैसे भी गर्मी का दिन है, आपको आलस ज़्यादा आता होगा ऑफकोर्स, और जैसे दोपहर का टाइम होता है उसमें तो बिल्कुल पढ़ने का मन ही नहीं करता किसी का भी, मेरा भी नहीं करता था, किसी का भी नहीं करेगा। तो इसलिए हम सुबह और रात का टाइम फिक्स कर रहे हैं, ताकि उस टाइम हम ईजिली पढ़ पाए, कॉन्सेंट्रेशन हमारी हाई हो। सुबह मैथ्स मत पढ़िएगा, क्योंकि मैथ्स सुबह उठाएंगे तो आपको नींद आने लग जाएगी, आपका मन नहीं करेगा। रात को आप मैथ्स उठाएंगे तो आपको रात में नींद नहीं आएगी जल्दी, आप 12 बजे तक मैथ्स कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारी स्ट्रेटजी रहेगी अभी तक सीजीएल की। तो इसमें हम कल से स्टार्ट करेंगे रीजनिंग प्रपोर्शन मैथ्स के लिए, तो प्रिपेयर रहिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। बस एक बार 50 दिन की मेहनत है, 50 दिन के बाद हो सकता है कि आपका सेक्शन हो जाए। इतने दिन आपने मेहनत करी रही है, इतने दिन से आपको सारा काम किया ही है, सिर्फ 50 दिन की और बात है, सब कुछ भूल के सब कुछ छोड़ के इसमें लग जाएंगे, ठीक है। सो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बाकी लोगों को भी शेयर करिए, क्योंकि हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। 50 डेज तक लगातार मेरी वीडियोज़ आती रहेंगी, रोज़ 5-7 वीडियोज़ आती रहेंगी, जो कि आपको रोज़ पढ़ना है और रोज़ रिवाइज़ करना है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।